तो अभी गाइज हम पहुंच चुके हैं भाई बिल्कुल, तो ये यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले, तो गाइज आपके लिए अभी रिवील करने वाला हूँ मैं जहाँ पे हम आए हैं। तो देख सकते हो आप, हम पहुँच चुके हैं भाई नेशनल एक्वेरियम में। तो ऐसा यहाँ पे सीन है और मौसम बिल्कुल सुहावना अच्छा, और पीछे आप देखोगे तो बादल भी हो चुके हैं बहुत सारे। तो होपफुली बारिश ना आए, लेकिन ना आज दिखा तो नहीं रखी थी वैसे, लेकिन कोई पता नहीं है, वैसे पता लगता बारिश का यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है पहले। तो रोड क्रॉस करते हैं, टिकट्स देखते हैं कैसे कहाँ से मिलेगी, और उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं। तो बिल्कुल अच्छा सीन है, तो होपफुली आपको मज़ा आएगा। और ये माल्टा साइड सीन की बस है जो, ये भी आ चुकी है। तो चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, उसके बाद अपना देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो 6 बजे तक की एंट्री है, 5:30 तक की एंट्री है, और 6 बजे बंद होता है, तो आप इसको याद रखना। तो अभी चलते हैं उस साइड। तो अभी गाइज हम पहुंच चुके हैं भाई बिल्कुल इसके पास ही। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे इसका क्या कुछ है एंट्री उंट्री का, और दूसरी साइड भी आपको वहाँ पे पीछे एक शीश हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई अंदर आते कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पे इस साइड में कुछ ड्रिंक्स के लिए सेक्शन बना रखा है, और इस साइड में फिशेज लटका रखी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, और ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपनी टिकट लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ वहाँ से एंट्री होने वाली है। तो गाइस अभी यहाँ पे अंधेरा है भाई, तो इन्होंने बोला है कि आप फोटोज ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फ्लैश नहीं चला सकते। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो अभी यहाँ से अपना जो सीन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये यहाँ से हम एंट्री करते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले भाई साहब ये सीन है, क्या बात है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं अपना देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्टर ये सब चीज़ें लगा रखी है, अच्छा है सब सीन। तो आगे चल के देखते हैं, वाह जी वाह। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिख जाती है, और इस साइड में अगर बात करें तो ये वाली मछलियाँ, तो पानी में लाइव चल रही है गाइस, आप तो एंजॉय कर सकते हो फुली। और यहाँ पे ये प्लास्टिक केव लिख रखा है, टैंक टू, और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। यूरोपियन सी बस, टैंक टू के बारे में डिटेल्स है, यूरोपियन सी बस है, और ये सब फिशेज के नाम है भाई ये सब। तो इनका तो हमें कुछ नहीं करना, बाकी आप यहाँ पे फिश को देख सकते हो कैसी है। और यहाँ पे प्लास्टिक केव टू, तो अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले तो ये सब है, 300,000 बाई कैश। तो ये सब इन्होंने बता रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तो इतना ही है भाई। और इसके बाद अभी चलते हैं हम आगे। तो उन्होंने सब यहाँ पे प्रोजेक्टर से सब ये बना रखे हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ करके बना रखे हैं सब चीज़ें, अच्छा है। तो मैंने जो टिकट थी वो ऑनलाइन परचेज कर ली थी भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब मैं गया, तो आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ, सबको पता होना चाहिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो यहाँ पे प्राइस था 1590 कुछ दिखा रहे थे, 16 यूरोज था आई मीन। तो जो वेबसाइट पे ऑफर चल रहा था वो 12 यूरो 90 सेंट कुछ का चल रहा था, तो 3-4 यूरो का डिस्काउंट था उस पर। तो मैंने अपना कार्ड यूज़ करके और डायरेक्ट मैंने अपनी जो टिकट थी वो परचेज़ कर ली, तो अच्छा था। इतना आप भी जो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो टिकट, तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो, यहाँ पे आप फोटो ले सकते हो। तो मैं भी अपनी फोटो लेता हूँ, किसी को बोलना पड़ेगा। तो आगे अंधेरा है, आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो तुम्हारे भाई को तो ऐसे ही निकलना पड़ेगा भाई, इसके अंदर से कोई वो नहीं है, ज्यादा ऊंचा नहीं है ये, लेकिन अपन इसके अंदर से निकल चुके हैं। और यहाँ पे फिर से अंधेरा, अच्छा है कि तो अभी वापस अपना दूसरी चीजें देखते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हम आ चुके हैं, और यहाँ पे फिर से मछलियाँ एक्वेरियम में भाई, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हमें फिशेज ही मिलेंगी। और ये यहाँ पे आप देखो, अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फिश है वो भी अच्छी है, वो बात अलग है, लोग इनको खा भी जाते हैं, लेकिन दिखने में सुंदर होती है। तो इन्होंने अच्छा बना रखा है, अंधेरा है। और यहाँ पे अभी आप यहाँ पे भी अगर देखोगे, ये देखो, वाह जी वाह,
सही है सीन, मल्टा थोड़ा सा है जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, लेकिन इनके अंदर इनको जो है थोड़ा सा कई चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देती है, जैसे ये मेडिटेरेनियन रेड स्टार फिश है। टैंक 12 के अंदर कौन से में भाई है? 12 एंड 13 नंबर भी दिख रहा भाई कोई स्टार फिश, और या फिर कहीं और खेल रही है ये स्टार फिश। स्टार फिश लिख रखा है, रेनबो फिश वर्स लिख रखा है, रेनबो रेसी ऐसा कुछ है, लेकिन ये खेल कहाँ रही है पता नहीं लगा। चलो आगे देखते हैं क्या है आगे। और ये यहाँ पे आ जाता है कुछ और मल्टा का ही सीन। ओ जीत के यकीन, ये तो खाली खाली है थोड़ा सा, इसके अंदर तो मछली है एक तो है। ये बड़ा सिस्टम है कुछ, बड़ा सिस्टम कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आई है भाई पीछे, तो होपफुली आपको ये सब सीन है जो अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ खास भीड़ नहीं आज, तो अभी साइड में अगर देखोगे तो थोड़ी सी मछली यहाँ पे भी है। तो वीडियो को लाइक जरूर से जो कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, आपको आगे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या उसे आगे प्रोसीड करते हैं आगे। तो यहाँ पे दिख रखा है कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर जाके देखते हैं। और इस साइड में, इस साइड में भी कुछ है, तो पहले इस साइड में चलते हैं, इसके अंदर ही घुस जाते हैं पहले, तो पीछे देखते हैं अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देख रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन जोन, रेप्टाइल्स और ये सब मैंने पढ़ा है उसके अंदर, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन भाई जो ये वो होते हैं रेंगने वाले जो होते हैं। अरे क्या कर रहे हैं, सो रहे क्या, ये सो रहे हैं भाई? ना ना पता नहीं असली है नहीं, फिर तुम देख लो कैसे दिख तो ओरिजिनल रहे हैं भाई वैसे। अच्छा है, और ऊपर वाली साइड पे भी आप देखो, हाय तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ये प्रधान जी अपना एंजॉय कर रहे हैं। भगत क्या हाल है, और एक वहाँ पर बैठा है रेंगने वाले जो पत्ते हैं उनको बोलते हैं, थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा, वो बैठे देख प्रधान जी। हाँ जी क्या हाल है, और यहाँ पे ये वो है बूंड बोलते हैं जिनको हरियाणा में बूंड, इसमें कुछ और ही सिस्टम है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे पानी आ। हाँ जी क्या हाल है, मंडे को बैठा रखे मेरे बेटे ने। और इसके अंदर का, इसके अंदर के जंतु कहाँ गए, अबे सो गए तो। वाह जी वाह, सामने। और इसके बाद यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, वो पीछे पीछे है गिरगिट विरगिट होते हैं जो। और ये भी, तो यहाँ पे फोटो क्लिक करके देखते हैं। तो भाई जब ये आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला है जो पोर्ट पे लाइट सी हॉर्स है, कहाँ पे ये प्रधान जी कहाँ रह रहे। हाँ जी हो कहीं देख लें तुम्हें भी, इसमें तो है नहीं, इसमें दूसरी वाली बाजू बाजू इसको देखो क्या हाल है, दिख तो रही है भाई खतरनाक, ये तो सांग सा कुछ हो रही है ध्यान से अगर इसको आप देखोगे। वाह देखो, और ये नीली नीली मछलियाँ देखो, समुद्र के अंदर चीज़ें तो बढ़िया बढ़िया है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए भाई, मारने के लिए नहीं होती। और उसके बाद ये यहाँ पे कुछ और चीज़ें आ गई है,
तो अभी यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे इन्होंने साइज ऑफ डाइवर्स एंड स्टार्स, ये इन्होंने इनके साइज लिख रखे हैं कुछ इनके बारे में डिटेल्स। और अभी हम आगे इसके अंदर जा रहे हैं, तो अभी हम आगे आ चुके हैं भाई। इसके अंदर सीन ऐसा है कुछ, और यहाँ पे ये मछलियाँ हैं बहुत, और इस साइड में हम देखेंगे तो भी कुछ ऐसा है, और ये वाली मछलियाँ हैं। लो पावर का ऑप्शन आया अपने पास, ये क्या बोलते हैं बैटरी लो का कोई चक्कर नहीं है, सही है भाई घूमने फिरने के लिए सही है। तो अलग अलग टाइप है, ये बड़ा सिस्टम आ गया। तो पूरी एक बात तो है भाई, जैसे इन्होंने टिकट के पैसे मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है शायद पूरी, और एक नीचे सो रही है वो क्या है देखो पीछे तक घूम रही है पूरी, उसको मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि इसका एक्वेरियम मतलब मुझे जितना पता है मुझे इसके बारे में, इसको पानी डेली पता नहीं कितने दिन में इसका पानी चेंज करना पड़ता है, और इसका जीते मछलियाँ मर जाती है। तो यहाँ पे ये सब है, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। ऊपर भी नहीं है कुछ, पीछे भी आर पार दिख रहे हैं भाई, अगर आप देखोगे तो दूसरे साइड वाले बंदे भी इसमें दिख रहे हैं, और कभी इधर चली जाती है कभी उधर, और एक ऊपर है जैसे। तो इसका अगर आपको नहीं पता भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी फुल मेंटेनेंस करनी पड़ती है इसकी, ऐसा नहीं है कि बस आपने तारे का पानी छोड़ दिया, डेली इसमें खाने पीने का इनका और पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो भाई जब भी उसके बाद है भाई यहाँ पे ये चीज़ें, ये छोटे छोटे है पता नहीं क्या है, देखो ओ भाई ये पेड़ है सारे, ये जो मूवीज में दिखाते हैं सब चीज़ें हिलने वाले पेड़ सेंसर वाले, ये सच में हिलने वाले हैं पेड़। उसके बाद यहाँ पे कलरफुल कलरफुल है भाई, और एक वो येलो येलो कलर की आ रही है, वो येलो है और ये सारी है। तो अपने साथ ही देख सकते हो आप ये कितनी है यहाँ पे फिश। तो भी गाइज उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ मिल गए थे लोग, उन्होंने अपनी पिक्चर विक्चर भी क्लिक कर दिए एक दो, वो मैं आप पोस्ट कर दूँगा। अच्छा सही ना भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है।
तो अगर आप आ रहे हो 12-13 यूरो लगा रहे हो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आपको कोई बाउंडेशन है यहाँ पे पिक्चर्स की वीडियोस की, आप कुछ भी करो। लेकिन वो आपको एक चीज़ बोलेंगे जो यहाँ पे देखें क्या, कि आप फ्लैश नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ शायद वो है और कुछ भी पता नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लाइट तो लगा रखी है मछलियों के लिए भी, इनके अंदर तो मछलियों को तो कोई दिक्कत है नहीं शायद उससे, ये पता नहीं क्या सिस्टम है, कुछ अलग ही सिस्टम है। दीवार की तरफ चल रहा है दीवार के साथ बस, और ऊपर बड़ी बड़ी है। हाँ जी, तो अभी आगे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट जो स्टॉप इन्होंने बता रखा है वो कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बस एग्जिट हो गया इसका। यहाँ पे ये छोटी छोटी मछलियाँ, अगर आपको जो लिफ्ट है वो यूज़ करने है तो लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो। और आगे यहाँ पे इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं डिफरेंट टाइप के, यही था बस जो भी था। तब ये देखो, रिमूव नाइट्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद ये क्या करती हैं, यहाँ पे फिश टैंक के अंदर फूड जाता है तो ये वेस्ट प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होती है इसकी, और यहाँ पे एक पंप चलता रहता है, वाटर बैक टू द प्लांट्स एंड फिश प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा वैल्यू। तो ये सब मैंने जैसा कि आपको बोला था, इसकी बहुत वो करनी पड़ती है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो ये पानी को फिल्टर करती हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें करती हैं। तो ये अभी इन्होंने एग्जिट बता दिया यहाँ पे, तो प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। मोर देन 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक आर मैन्युफैक्चर्ड एनुअली, हाफ ऑफ दिस इज़ फॉर सिंगल यूज़। तो ये जो सिंगल यूज़ और ये सब चीज़ें हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैव एन एवरेज यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ 12 मिनट्स। प्लास्टिक बॉटल्स वॉश्ड अप ऑन द यूके शोर लाइन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 43% इन जस्ट 12 मंथ्स। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, और विद नो इनकम केयरिंग यू माइट नॉट केयर, बट इवन इफ यू नो बट यू कॉन्ट केयर इफ यू डोंट नो, एवरी वन कैन मेक अ डिफरेंस, पीपल जस्ट नीड टू नो एंड टू केयर। तो इन्होंने ये सब यहाँ पे कोट्स और ये सब लगा रखे हैं, और अभी ये हमारा एग्जिट हो चुका है। तो गाइस होपफुली आपको ये जो वीडियो है बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नहीं हो। तो ये था अपना एक्वेरियम का जो विजिट थी। तो गाइस अभी आ चुके हैं बाहर, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो से कर देना। तो अच्छा था भाई, 1 घंटा लगा होगा शायद अंदर, तो आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है, यहाँ पे वर्थ इट है, आप इसको विजिट जरूर से जरूर करना अगर आप माल्टा आ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे बादल देखो, बिल्कुल काले बादल हो चुके हैं। तो अभी देखता हूँ बस कहाँ से मिलने वाली है, तो शायद यहीं पे आसपास बस स्टॉप है तो वहाँ से मिल जाएगी। एक तो येरा बस स्टॉप और दूसरा आप थोड़ा सा आगे है बस, वहाँ से बस मिल जाएगी। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।